हेलो जी, क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे पता है कि आप लोग मेरा बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं आई नहीं थी। तो यूट्यूब पे कोई मैंने वीडियो भी नहीं दी थी अपने चैनल के, क्योंकि नाज़नीन पे असल में कुछ मसरूफियाँ बहुत ज़्यादा थी, और थोड़ा सा मैं दूसरी कंट्री में गई हुई थी, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स थे तो उनकी वहाँ पे शादी वगैरह थी, तो उसको अटेंड करने के लिए ले ली थी मैं। तो इसलिए बस आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। वैसे मैंने आप लोगों को बहुत याद किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मुझे यकीन बल्कि बहुत ज़्यादा याद किया होगा। मुझे तो टाइम ही बस आपको पता है नहीं मिला। अभी मैं वापस आई हूँ, तो मुझे था कि जल्दी से वीडियो बनानी है और अपलोड करनी है। अच्छा, मैं जितनी देर के लिए मतलब चैनल से थोड़ा सा दूर हुई हूँ ना, तो उतनी देर में ये हुआ है कि पीछे बहुत बड़े बड़े से कारनामे अंजाम हो गए हैं। जैसे कि मेरे पास टाइम ही नहीं था ना इतना कि मैं यूट्यूब वगैरह यूज़ करूँ या देखूँ, तो कुछ भी ऐसा नहीं मैं करती थी उन डेज में। तो जब मैंने दोबारा आई हूँ और यूट्यूब मैंने ऑन किया है, तो मतलब मैं तो खुद हैरान रह गई हूँ कि अच्छा, मतलब इतना सब कुछ बदल गया है कि कुछ लोग जिन पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेम करती थी कि अच्छा आप अपना ये चेहरा नहीं दिखाते हैं, उनका पूरी फैमिली ही आ रही है यूट्यूब पे, ये है वो है, तो ऐसे है वैसे है, तो ये मतलब अब दिखाने लग गए हैं। तो जब मैंने आना ना कि यूट्यूब ऑन किया, तो मुझे ना एक बड़ी ही, जिसको मैं कहती थी बुल्लड़ बुल्लड़, वो बुल्लड़ नहीं निकली, बिना बुल्लों वाली निकली है। मतलब उसके होंठ ऐसे जैसे सिर्फ लाइनें मारी हुई है, बड़ी बड़ी होंठ तो उसका है ही नहीं है सीधे से। तो बिना होंठों वाली उसकी बीवी निकली है। मतलब जितने बड़े बड़े बुल उसके हैं ना, उन्होंने कहा कि अगर हम ज़्यादा बड़े बुल्लों वाले ले आएंगे ना, तो इसके भी पहले ही से बुल बड़े हैं बासवीर के, तो ये तो बुल्लड़ है, अगर हम इसके लिए बुल्लड़ ही ले आएंगे तो इतने बड़े बड़े बुल हैं, शायद हमारे घर में ज़्यादा जगह रखने की, मतलब चीज़ें रखने की भी जगह ना रहे। तो वो हर किसी को होता है ना अपनी स्पेस देख के, मतलब एक पहले इतने बड़ा बुल्लों वाला है और उसके अगर उसकी बीवी भी इतने बड़े बुल्लों वाली आ जाए, तो मतलब बात दूसरी बात ये है कि बड़े बुल्लों वाली बीवी आ गई है और बड़े बुल्लों वाला ही आदमी है, तो ये होता है कि इस वजह से ना उनकी मतलब जो बच्चे हैं उनके तो बुल फिर ऐडा ऐडा एक बुल होगा उनका, तो इस हिसाब से तो बंदा फिर डरता ही है ना कि अगली नस्ल ये ना हो हाथी के साइज के होंठों के साथ पैदा हो जाए। तो इस वजह से कुछ उनको डर था, तो उन्होंने इस वजह से ना उसका छोटे बुल्लों वाली, मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, वो जो है ना क्या नाम है उसका, भाई नाम इतनी देर मुझे नाम ही भूल गया है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। महेश भाई है, सनी देओल आई थिंक उसका नाम था, नहीं पता नहीं क्या नाम था उसका, नाम था महेश भाई का, क्या नाम था उसमान, बड़ा ड्रामा लगता है ना आजकल बहुत, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो अच्छा हाँ जी, वो जो उस्मान है वो जो हम मेरा चैनल को ऐसे करके दिखते हैं सारा जी, हाँ जी वो बात हो रही थी उस उस्मान की। हाँ तो वो जो उस्मान है ना, उस उस्मान का मैं कोई बात करने लगी थी, मुझे खुद ही भूल गई क्या बोलते हैं उस उस्मान का नाम याद करते मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। हाँ याद आ गया मुझे, हाँ वो जो उस्मान है ना, उस उस्मान का ये है कि पहले से मैं आपको बता दूँ, देखिए मैंने अब लुक चेंज कर लिया, अपने हेयर कलर भी मैंने चेंज करवा लिया है और अपनी मैंने बाल भी मैंने, अच्छा ये तो हो गई मेरी लुक की बात, हम मैं उसके लुक की बात कर रहे थे बुल्लुड़ी की। अच्छा मुझे ना इसके लिए, हाँ नाम तो मैं मतलब इसके लिए ना पहले मैंने बुल्लुड़ी नाम रखा हुआ था, लेकिन अभी ये है कि मैंने जो इसके लिप्स देखे ना, तो मुझे हुआ, मुझे मुझे कहीं ना कहीं शक था कि ये ना हो कि इसके बुल छोटे छोटे हों। तो मतलब एक बंदे को होता है ना कि थोड़ा सा चलें कोई बात नहीं, अच्छा अभी ये है कि इसका नाम बुल्लुड़ी ही इस पे सूट हो गया, क्योंकि बुल्लुड़ की बीवी बुल्लुड़ी ही होती है ना, जैसे पटेल की बीवी तो मिसेस पटेल ही कहा जाएगा उसे, तो ये मिसेस बुल्लुड़ी ही है। अच्छा तो रही बात इस बुल्लुड़ी जी की, तो ये जो बुल्लुड़ी जी है ना इनके बुल बहुत छोटे छोटे हैं। बात, हाँ बात में जब याद आ गई, मैं बात क्या करती, मैं उस्मान की बात कर रही थी। तो जो उस्मान है ना, ये बुल्लुड़ी का भाई है, ब्रदर है, जो ये उस्मान उल्टे जुबान वाला है ना, मुझे थोड़ा सा इनके बारे में भूल भी गया एक्चुअली, मैंने बहुत ज़्यादा इनसे ना स्पेस ले लिया था, और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा भूल गया, मैं तो उस्मान है ना मेरा गला खराब हो गया, ये सामान है ना उसकी जुबान उल्टी लड़ी हुई, ऐसी तो ठीक ही नहीं हुई। अच्छा मैं अभी वापस भी आ गई हूँ, मतलब इतना मेठे आते थे, मैं 1-2 वीक से ज़्यादा तो दूर रही हूँ चैनल से, लेकिन जो सामान है ना उस सामान की जुबान, हाँ जी मैं बात कर रही थी उस सामान की,
तो जो शमान है ना उससे जुबान अभी थी अभी भी उल्टी ही है। मीन्स से मैं तहाँ तहाँ से फीटे आ गई हूँ। मीन्स से उसकी जो बहन है उसने अपना फेस भी रिवील कर दिया है आप चैनल पे एक्चुअली में, और सब कुछ भी चेंज हो गया है। तो उसके बाद भी वो उसने अपने भाई की जुबान नहीं सही करी। अब इसमें आप मुझे बताएं कि एक बहन का कितना फर्ज बनता है कि उसका भाई हर तरह से ठीक है, चलाकियों में, बदमाशियों में, वीडियो बनाने में, हर चीज़ में आगे आगे है, बहन का रिश्ता तोड़वाने में, बहन की रिश्तेदारी दिलाने में, हर चीज़ में। क्या एक बहन का इतना फर्ज नहीं बनता थे वो अपने उल्टी जुबान वाले भाई की जुबान ही सीधी तरह दे? चंद पैसों के लिए उस बेचारे का फ्यूचर बर्बाद कर रही है वो, क्योंकि उससे सिर्फ जुबान उल्टी रही हुई है। अगर उसको एक अच्छा रिश्ता आ जाए कोई अच्छे घर की लड़की का जिसकी जुबान सीधी लदी हो और उसकी जुबान उल्टी होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया था। देखते हैं ज्योति उप ज्योति होती इमतम इस वक्त उसने ही होती है। कोई आपको अपनी जुबान भी देखनी पड़ती है तो आप तो अपनी तीरी तीरी आंखें भी देखनी पड़ती हैं, तो ये आप तो अपना आप भी देखना पड़ता है ना अपने आप। तो अगर आप छत रखेंगे तो ही आप आधे ऐसे मतलब फ्यूचर में किसी अच्छी हसीन लड़की को फंसा सकेंगे। अगर आपको जुबान ही उलती है तो वो लड़की भी तो फिर उलती हरकतें करेगी आपके साथ। तो मेहरबानी करके नाविश अब बुलड़ी सॉरी, तो तुम्हारे बुल बहुत ब्रीत हैं। मैं तुम्हें यही कहूँगी अपने बुलों पे कोई ट्रीटमेंट चलाओ, थोड़े से बड़े हो दो और अपने भाई की जुबान सही चला दो भी, तो उसकी ज़ुबान उल्टी होना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो हाँ जी, अगली बात ये थी कि जो मैविश है ना तो वो मास्क लगा के तो वो कुछ बेहतर लगती थी, मतलब मुझे था कि पता नहीं अंदर से कैसी इसकी शक्ल होगी ये वो, मतलब होता ही है बंदे को। लेकिन जब उसने मास्क अपना उतार दिया ना शक्ल से, मैं तो यही कहती मास्क लगा के ठीक, मतलब जैसी मतलब मुझे थोड़ा सा था कि ये बेहतर शक्ल की या जो भी बंदा कहता है उस टाइप से होगी, लेकिन जैसे उसने अपना मास्क उतारा है ना तो बिल्कुल गांव की पेंडू टाइप शक्ल की है औरत। तो बिल्कुल वो उसे बिल्कुल ऐसे ना गांव की जो औरतें होती हैं उनकी ऐसी शक्लें होती हैं। तो उसके बाद मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसने अपना मास्क उतार दिया, क्योंकि वो अच्छी बिल्कुल नहीं निकली अंदर से। उसने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया बिल्कुल ना, मतलब कैसे मैं बताऊँ, जैसे मिट्टी मिट्टी की नहीं बना हुआ इंसान होता कि मूर्ति टाइप ऐसा कुछ निकला ही है वो ना। उसकी आईब्रो के बाल भी इतने खास नहीं है कुछ, और उसकी शक्ल भी ऐसे जैसे लेपी है होया मुँह है उसका। तो मुझे ना अच्छा नहीं लगा, उसको चाहिए था वो मास्क पहन के रखती, मतलब अजीब सी है वो कोई, मतलब उसके फीचर्स कोई खास अच्छे नहीं है। तो मास्क लगा के तो फिर भी थोड़ा छुपी हुई थी, तो मुझे था कि मास्क और बहुत अच्छी चीज़ निकलेगी, तो जैसे कि लेकिन वो मास्क उतार के कुछ और ही निकला ही है, तो मुझे नहीं अच्छी लगी। तो खैर पता नहीं आप लोग को अच्छी लगी है कि नहीं लगी। वैसे मुझे कमेंट आया था तो कुकिंग विद नाज़नीन ने मुझे बताया था कि कैसे करके कमेंट्स आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसने बुलड़ी ने अपना चेहरा भी दिखा दिया। तो अंदर मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला देखने का, नहीं तो मैं उसी टाइम अपलोड कर देती वीडियोज़, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं जैसे कि कल ही वापस आई हूँ तो आज जाके मैंने कहा मैंने पहले मैंने वीडियो बनानी है, उसके बाद ही बाकी काम मैं करूँगी। तो मिस बुलड़ी जो है, मिस बुलड़ी वो बुलड़ी को चाहिए अपना मुंह दोबारा से ढाक ले ताकि हम लोग उसे बर्दाश्त कर ले। लेकिन बर्दाश्त कर ही रहे और पता नहीं, मैं समझ नहीं आती कि उसको पहले चेहरा छुपाया हुआ था, जब दिखा नहीं था तो बहन तुमने छुपाया क्यों था? तुम शुरू में ही दिखा देती चेहरा, अब तुमने छुपा के ये वो, मतलब कोई उनके वीडियो में खास चीज़ है नहीं है। आज हम सफाई कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं वो। बाकी मैं इनकी वीडियोज़ देखूंगी जैसे जैसे अब आप लोगों के साथ आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी। फिलहाल तो मैंने ये था कि मैं अब वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने नहीं की थी, तो इसलिए मैंने ये किया कि मैं वीडियो जल्दी जल्दी से बना के आपको दे दी है। बाकी जैसे जैसे मैं इनको देखती रहती हूँ और आगे वीडियो में बनाती रहूँगी, वैसे जैसे आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि इनके कारनामे क्या होंगे। रोज़ाना ही अब तो वीडियो आएंगी, तो उसमें रोज़ाना इनकी भी वीडियो आएंगी, तो उसमें हम देखते रहेंगे क्या क्या होता है, अपने भी दिखाते रहेंगे और इनको गाइड करते रहेंगे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, जो कि कर भी लेते हैं। जो आगे मैंने जो जो बातें इनको कही हैं उन्होंने वो की भी है, तो अच्छी बात है, आगे भी इनको सुनना चाहिए और करना चाहिए। चले अब हम आपसे अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे, तो इंतज़ार कीजिएगा मेरा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपके दोस्त मदद।